जय दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड यानी कि यूपी बीटीसी के बारे में कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, और साथ ही साथ पहले सब्जेक्ट को हम उसके पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं, संपूर्ण इस पे चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, डीएलएड में आपको ये किताब लेनी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और आपको कॉलेज से मिल गया होगा, तो हम इसके आज इस वीडियो में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। दोस्तों, सैद्धांतिक विषय की बात करें तो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये दो पेपर है, जिसमें पहला है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि बाल विकास यानी कि बच्चों का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, दूसरा बच्चे सीखते कैसे हैं। दोस्तों, यही वो विषय है जो आपको स्पेशल बनाता है आपके एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। दूसरा है दोस्तों शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत हैं कैसे बच्चों को सिखाना है, कैसे बच्चों को टीचिंग करना है और कैसे बच्चे सीखते हैं, इसके कुछ थियरी है, इसके कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो आपके अलग जो सब्जेक्ट है वो है आपके कुछ इस प्रकार के, सामान्य विषयों की बात करें तो ये आपका है दोस्तों, सामान्य विषयों में आपका ये सारे सब्जेक्ट है, ये आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। इसमें आपका साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षा, और ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों इसका एग्जाम आपका केवल इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। तो ये ओवरऑल आपका सब्जेक्ट है, हम कंप्लीट सिलेबस नहीं यहाँ पे, केवल हम आज इसमें क्या करने वाले हैं, पेपर वन जो आपका है दोस्तों बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इस पे नजर डालते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल कहाँ से ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों इसमें बाल विकास, ठीक है। इसमें आपके टोटल चार टॉपिक मिलेंगे, जिसमें पहला टॉपिक क्या है, बाल विकास। अब बाल विकास में आपको क्या पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट आपको कह सकते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग अंग्रेजी में पेपर देना चाहते हैं, कितने हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा ताकि समझ में आए कि डीएलएड के कितने बच्चे आपके इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, मतलब ये बताइए कि चाइल्ड डेवलपमेंट कहते किसे हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना जरूरी क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और चाइल्ड डेवलपमेंट क्या, बच्चे का कौन कौन से फील्ड में डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे शॉर्ट डिस्कशन कर दूं तो एक डेवलपमेंट का मतलब विकास, अगर आप चलिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में एक टर्म आता है वृद्धि और विकास, राइट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा वृद्धि और विकास। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट, उसके दिमाग यानी कि उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका इमोशन डेवलपमेंट, कई शारीरिक डेवलपमेंट, कई तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। तो यहाँ पे बात करिए कौन कौन से क्षेत्रों में, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, पढ़ना है। दूसरा है दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं, अवस्था का मतलब स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेज का मतलब छोटा जो बच्चा होता है ना उसको हम शैशवावस्था कहते हैं, उससे बड़ा हो गया बाल्यावस्था, उससे बड़ा किशोरावस्था। तो अब इन तीनों अवस्थाओं में बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा कैसे प्रतिक्रिया देगा, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है और इन तीनों अवस्थाओं की विशेषता क्या होती है, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ना है। तो बाल विकास बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जिस मैं क्षेत्र की बात कर रहा था ना वहां पे यहाँ पे मेंशन किया गया, ये सारे टॉपिक है जो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है, शारीरिक विकास के बारे में कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा, मानसिक विकास, बुद्धि, बुद्धिलब्धि, आईक्यू, बुद्धि परीक्षण, आईक्यू लेवल को कैसे हम जानेंगे कि कौन सा बच्चा किस आईक्यू लेवल का है, कुछ बच्चे तीव्र बुद्धि को होते हैं, कुछ मंद बुद्धि को होते हैं, कुछ औसत बुद्धि को होते हैं, कुछ क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो इस तरीके की कुछ कैटेगरीज डिवाइड की जाइए, तो हम उनका परीक्षण कैसे करेंगे, बुद्धि लब्धि क्या, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। संवेगात्मक विकास दोस्तों संवेगात्मक का मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक का मतलब कॉग्निटिव, मतलब दिमाग का डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने एक बहुत ही शानदार सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, कोई भी ऐसा सीटेट का पेपर ना होगा जो कि संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे से सवाल ना पूछा जाए, और बीडीसी डीएलएड में जरूर आपसे पूछा जाता है। सामाजिक विकास, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, भाषा का, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, ये वो सारे टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, देखिए डीएलएड या बीएड जब भी आप करेंगे ना
कुछ आपको टॉप टिपिकल हिंदी के वर्ड मिलेंगे जिसको हिंदी में समझना मुश्किल है, आप अंग्रेजी कर लेंगे तो वो बेहतर समझ में आ जाएगा, राइट। तो सृजनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी, ठीक है, इस तरीके का आपको पढ़ना है। व्यक्तित्व का विकास, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, व्यक्तित्व के परीक्षण के तरीके, बच्चे की पर्सनालिटी ना, व्यक्तित्व पर्सनालिटी को आपको पढ़ना है और कौन सी किस तरीके की पर्सनालिटी होती है उसको कैसे जांचना है, ये सारे टॉपिक आपके हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। जब आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि देखिए सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं है, कुछ इंडिविजुअल उनके अंदर डिफरेंसेस होंगे, व्यक्तिगत उनके अंदर विभिन्नताएं होंगी, इस बात का ख्याल रखते हुए आपको टीचिंग करना है। तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कैसे चेक करना है और किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। कल्पना, चिंतन एवं तर्क का विकास, ये सारे आपके टॉपिक है। बड़ा मजा, देखो ऐसा मत समझना कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, मतलब आप सब पता है, लेकिन जब आप लैंग्वेज में लिखेंगे ना किताबी भाषा में तो आपको मजा आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगी किताब में लिखना कैसे। चलिए अब दूसरा आपका टॉपिक है दोस्तों, बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले। अब जब बच्चों का डेवलपमेंट होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो उनको प्रभावित करते हैं, जो उनको इफेक्ट करते हैं। जैसे आप बालक के विकास में देख लीजिए, जैसे कुछ क्षेत्रों के बच्चे की हाइट ज्यादा अच्छी होती है, कुछ बच्चों की हाइट कम होती है, कुछ बच्चे दुबले पतले होते हैं, कुछ बच्चे मोटे ताजे होते हैं, कुछ बच्चे किसी दूसरे रंग के होते हैं। तो ये क्या होता है भाई, कुछ ना कुछ ऐसे कारक हैं जो उनके विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम प्रभावित करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों के माता पिता के जीन जो उनमें ट्रांसफर होते हैं उससे बच्चों के विकास पे प्रभावित होता है, राइट, उनके सीखने पे भी प्रभावित होता है। वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, ठीक है, ये वो सारे टॉपिक्स हैं बच्चों जो किसी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, किसी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। किस तरीके से प्रभावित करते हैं, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अधिगम। अधिगम मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, हिंदी में अधिगम या सीखना कहते हैं, इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है और अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं, इस चीज के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे अधिगम सीखना का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री। देखो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, लर्निंग यानी कि अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम को कौन कौन सी फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, और किन अवस्थाओं में बच्चा कैसे सीख सकता है, इन सारी चीज़ों के आपके बारे में पढ़ना है। अधिगम को प्रभाव, अच्छा सिखाने का तरीका भी होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे बच्चे जिस तरीके से सीखते हैं उसमें आप देखेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी मतलब करके सीखना होता है, अनुकरण करके सीखना होता है, करेक्शन मतलब ये सारी चीज़ें होती है। तो अनुकरण का मतलब तो ये भी सीखने का एक तरीका होता है, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, ठीक है, कोऑपरेशन करके सीखना, सम्मेलन और विचार गोष्ठी की विधि, प्रोजेक्ट। तो ये सारे क्या है, तरीके हैं कि बच्चा किस तरीके से सीख सकता है। तभी तो आप जब जानेंगे, बच्चे को सिखाएंगे, तभी तो आप एक बेहतरीन मास्टर बनेंगे और टीचर बनेंगे, मतलब यानी कि मैम भी बनेंगे। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये हमें टॉपिक्स को पढ़ना है। थर्ड पॉइंट है अधिगम में नियम, थॉर्नडाइक के सीख। अब यहाँ पे कुछ अधिगम के नियम है, कुछ थॉर्नडाइक के सीख, कुछ नियम है यहाँ पे, जैसे देख लीजिए कुछ सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था जिसके कहते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि, और इनमें से एक सवाल आपसे पूछ लेगा, किसी एक को पूछ लेगा, ठीक है। अब इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था, जैसे थॉर्नडाइक ने क्या किया था, कुत्ते पे प्रैक्टिकल किया था, ठीक है, सॉरी बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि कैसे एक बिल्ली प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से सीखती है, ठीक है। पावलोव ने भी एक सिद्धांत किया था, वो कुत्ते पे किया था। तो ये सारे जो हैं वो मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने सिद्धांत को थियरी करके एक सिद्धांत दिखाया है कि कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है, ठीक है। स्किनर ने भी ठीक वैसे चूहे और कबूतर पे किया था, कोहलबर्ग ने चिंपैंजी पे किया था। तो ये सारे दोस्तों क्या है, ये सिद्धांत है। अच्छा जीन पियाजे साहब ने तो अपने पुत्र पे कर दिया था, उनके बेटे थे, उन्हीं के बेटों के ऊपर उन्होंने सिद्धांत ये प्रैक्टिकल कर दिया था, वायगोत्स्की का सिद्धांत। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, थियरी इन मनोवैज्ञानिकों ने दिया है जिसको हमें पढ़ना है, समझना है और एग्जाम में लिखना है। बहुत इंटरेस्टिंग, न केवल डीएलएड पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं बीएड वालों को भी देखता हूँ, तो बीएड वाले के भी लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है। मैं तो कहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को इस टॉपिक को जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक वैसे कुछ और सिद्धांत जिसमें ब्रूनर का सिद्धांत, सीखने का चक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने पठा, ये सारी चीजें हैं, सीखने का स्थानांतरण, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, ये वो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। चलिए थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है अभिप्रेरणा। दोस्तों अभिप्रेरणा, मोटिवेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं।
मोटिवेशन बहुत जरूरी है कोई भी कार्य को करने के लिए। वास्तव में मोटिवेशन का अर्थ ही यही होता है कि किसी कार्य की गति को बढ़ा दे, किसी कार्य करने की ऊर्जा में वृद्धि कर दे, तो वो क्या कहता है मोटिवेशन। मोटिवेशन कई तरीके के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, आंतरिक, बाह्य, कई तरीके के भी हो सकते हैं। तो आपको यही पढ़ना है कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या महत्व होता है। अभिप्रेरणा की विधियां, रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, खेल, सामाजिक कार्यक्रम, सहभागिता, कक्षा वादा, ये थोड़े थोड़े छोटे से टॉपिक है। मेन टॉपिक यही है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में ये सारी चीजें आती है। किसी को पुरस्कार के द्वारा भी अभिप्रेरित कर सकते हैं, खेल के द्वारा भी अभिप्रेरित कर सकते हैं। जब द्वंद की भावना होती है तब भी अभिप्रेरणा होती है कि नहीं वो मुझसे आगे नहीं निकल सकता। तो इस तरीके के ये टॉपिक है, यहाँ आपको पढ़ना है। सीखने के संदर्भ में तथा विद्यालय की व्यवस्था के संदर्भ में सामूहिक सक्रिय सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, अन्य प्रकार के विद्यालय समिति सदस्यों का अभिप्रेरणा, जो भी लोग विद्यालय से जुड़े हैं उनके द्वारा कैसे अभिप्रेरणा दी जाती है या फिर उनको कितना अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की जरूरत है, इन सारी चीजों को पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे चार छोटे छोटे टॉपिक है कि ध्यान का क्या महत्व है बच्चे के सीखने में, इंटरेस्टिंग, रुचि, उसका इंटरेस्ट का कितना महत्व है दोस्तों, और स्मृति मतलब याद करने की कितना महत्व है, और सांख्यिकी के कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। सिलेबस था दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा होगा कि अरे इतना सब कुछ पढ़ना है, आप पढ़ेंगे ना मजे से चलेंगे। देखिए हम ये पूरी जो सिलेबस है ना, पूरी सिलेबस को 5 से 6 वीडियो में खत्म कर किया जा सकता है। 5 से 6 वीडियो में, अगर आधे घंटे मतलब 45 मिनट से 1 घंटे की वीडियो बनी तो 6 घंटे में, यानी कि अगर आप कोशिश करेंगे तो 2 दिन में बेहतरीन तैयारी कर सकते। लेकिन वो एग्जाम टाइम की बात हुई, धीरे धीरे चलेंगे। कम से कम हम कोशिश करेंगे कि 6-10 वीडियो, मैक्सिमम 10 वीडियो में आपके पूरे सिलेबस को पढ़े, ये वाला पूरा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा इंटरेस्टिंग वे में, एनिमेशन के वे में, जो भी अच्छे से अच्छे तरीका हो सकता है उसमें इसको पढ़ा जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मजेदार टॉपिक है, और मैं आशा करता हूँ कि अब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी को स्टार्ट करेंगे, और जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगा मैं वो जरूर करूंगा। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद यहाँ पे एडमिशन के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपके आने वाले आपके एडमिशन के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर का सिलेबस आज यहीं पे कंप्लीट होता है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वन बाय वन करके पढ़ाई को हम शुरू करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे द्वारा समझाए गए सिलेबस आपके लिए अच्छे होंगे, सहायक होंगे। 2-3 रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और एक काम करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी बीएड डीएलएड के बच्चे हैं उनके लिए अलग ग्रुप बना लेते हैं। सो हम एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं जो भी डीएलएड के बच्चे हैं, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस आएंगे, तो कमेंट में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ले लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग उस पर जुड़ जाएंगे और वन बाय वन क्लासेस करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। 6 से 10 वीडियो मैक्सिमम, 6 से 7 वीडियो में ये आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसके बाद से आपके सेकंड पेपर में भी चला जाएगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, पहले 2-3 यूनिट इसका खत्म कर लेंगे, फिर सेकंड, इस तरीके से एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे। एग्जाम आने से पहले आपका सारी चीजें तैयार होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, तो वो काम जरूर करेगा क्या, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएगा पूरे यूपी डीएलएड। एक और चीज, कोई वो आंदोलन एंड इन चीजों के मकसद से नहीं, केवल स्टडी पॉइंट से, जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा हमारा केवल स्टडी पॉइंट से होगा। हाँ, जो डीएलएड के न्यूज होंगे उसके बारे में जरूर जाना जाएगा, लेकिन स्टडी पॉइंट से आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट हो। एक ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेस नहीं, रेगुलर और सीरियस बेसिस के क्लासेस के लिए आप सब तैयार हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।